साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। वुडपेकर एयरलाइंस। तुम्हें पता भी है बोइंग एयरक्राफ्ट की कीमत कितनी होती है? और सोनी एविएशन मिनिस्टर। हाँ, और आजकल उसकी पार्टी पावर में है। पावर कट भी तो है। मुझे मेरी एयरलाइंस के लिए लाइसेंस चाहिए। तो हम ये कैसे मान लें कि इस वीडियो को तुम मीडिया में नहीं दोगे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सारे धंधे ईमानदारी के साथ करता हूँ। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन वो पैसा तुम ना छू सकते हो ना देख सकते हो। मैंने तुम्हारे सारे अकाउंट्स सीज करवा दिए। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उल्लू की अब तक की मेरी सबसे फेवरेट वेब सीरीज वुडपेकर के बारे में। कहानी शुरू होती है, इसमें एक एयरलाइंस होती है जहाँ कुछ एयर होस्टेस हैं जो अपनी खूबसूरती से अमीर कस्टमर के साथ गेम खेल के पैसे कमाती थी। उसी दौरान एक लड़की है जिसे एक बुजुर्ग आदमी के साथ चक्कर चल जाता है। बिस्तर में तो वो इतना खुश नहीं कर पाता, लेकिन हाँ पैसे बहुत थे उसके पास। तो वो लड़की अपनी मम्मी पापा का घर छोड़ के बिना इनकी इच्छा के ही शादी कर लेती है। उधर दूसरी लड़की एक बड़े बिजनेसमैन पराग त्यागी के साथ अपने आप को सौंप देती है। पराग त्यागी हर दिन एक नई लड़की के साथ रिश्ते बनाता है। उसका अलग ही टशन था, लेकिन एयर होस्टेस ने उसको एक वुडपेकर एयरलाइंस चलाने के लिए बोलती है और एक अच्छा सा आइडिया उसको देती है। एयरलाइंस का जो अप्रूवल लेने के लिए वो एक पॉलिटिशियन के बेटे के साथ रिश्ते बनाती है और उसका वीडियो बना के वुडपेकर एयरलाइंस को चलवाया, जिसकी वजह से उस लड़की को उस कंपनी में पराग ने CEO की पोस्ट दे देता है। लेकिन वो लड़की ज़्यादा ही स्मार्ट थी, वो पीठ पीछे उसकी कंपनी से पैसे थोड़े थोड़े करके अपने अकाउंट में डाल रही थी। उसी की एक एम्प्लॉय होती है जो ये बात पराग को बताती है और फिर पराग उस लड़की के साथ मजे लेता है और फिर उसी लड़की को बोल के अपनी कंपनी की CEO के अकाउंट के सारे पैसे हैक करके अपने अकाउंट में डलवा लेता है। और फिर अगले दिन वो पुलिस भेज के उसको पकड़वा के उल्टा फंसा भी देता है और खुद देश छोड़ के दूसरे देश जाने की ही वाला होता है। तभी उसके पास उसी पॉलिटिशियन का कॉल आता है और वो उसको धमकाता है और केस भी कर देता है, क्योंकि जिस लड़की को उसने फंसाया था उसने वो MMS जो कि लड़की ने बनाया था वो पॉलिटिशियन को भेज दिया। पराग का अकाउंट भी सील करवा दिया। एक और लड़की है इस कहानी में दोस्तों, जो अपने माँ पापा की नजरों में बहुत ही सीधी सादी सिंपल लड़की होती है, लेकिन रियल में वो बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार स्मार्ट लड़की होती है और एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होती है, क्योंकि नॉर्मली लोगों के 1-2-5 बॉयफ्रेंड होते हैं लेकिन वो अलग अलग टाइप की, लेकिन यहाँ एक ही टाइम पे 2 बॉयफ्रेंड के साथ वो रिश्ते बनाती है एक ही टाइम पे। दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये देख के आपको अलग ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेवल। फिर उसके मॉम एंड डैड उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं और उसकी फैमिली को इनवाइट करते हैं, लेकिन लड़की उनके सामने कुछ ऐसे बन के आती है, ऐसे कपड़े पहन के आती है कि मम्मी पापा तो चले जाते हैं उन लड़के के। लेकिन फिर लड़का थोड़ा मॉडर्न होता है तो वो आगे उससे बात करता है और फिर बताता है कि मैं मना कर दूँ कुछ ना कुछ बहाना बना के, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे तो सही रहेगा। और फिर धीरे धीरे लड़की को भी वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है और वो इंटरेस्टेड लगने लगती है शादी के लिए कहीं ना कहीं। इसी वजह से अपने वो जो दो बॉयफ्रेंड्स होते हैं उसको वो फ़ोन करके बोलती है कि हम ये सब नहीं करने वाले, और मोस्टली उसका फ़ोन अवॉइड करने लगी। तो वो लड़के खुद उसके घर आ जाते हैं कुछ अच्छा सा वेशभूषा पहन के, हिंदू एकदम तरीके से शुद्ध शाकाहारी सिंपल लड़के बन के, जिससे उनके घर वाले उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से बिठाया उठाया। और फिर लड़की को मजबूर उनके घर जाना पड़ा और फिर उन दोनों के साथ बैंग बैंग करने के बाद उस लड़की ने बोल दिया कि आप अगली बार कभी मेरे को कॉल मत करना इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर वो लड़के गेम खेलते हैं उसके साथ, उसका वीडियो बना लेते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर हमारे पास नहीं आई जब बोलेंगे तब तो आपके मम्मी पापा को या सबको ये वीडियो दिखा देंगे। फिर लड़की की एक फ्रेंड होती है जो काफ़ी अमीर होती है उसको बोलती है, तो वो गुंडे भेज के उन दोनों को धमकाते हैं और फिर वो ऐसा कभी ना करने की वादा करता है और ये कहानी भी एक तरह से एंड हो जाती है। एक और लड़की की स्टोरी है इसमें जो कि एक एयर होस्टेस ही होती है और चोरी भी करती है और उसकी फैमिली में
सारे लोगों में सिर्फ वही कमाते हैं जिससे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर होती है। दोस्तों लास्ट स्टोरी में जो फाइनल टच देखने को मिलेगा वो इसी लड़की का होगा। दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बहुत सारे एपिसोड्स हैं इसको, 6-7 आई थिंक 7-8 एपिसोड्स हैं, और मतलब 1% के लिए भी आप इसे देखेंगे बोरिंग नहीं लगेगी। बहुत सारे ज़बरदस्त सीन्स हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, लेकिन स्टोरी उतनी ही ज़बरदस्त है कि आपको बोर भी नहीं होने देंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उल्लू का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। गुड नाइट।